तक आपने बहुत तरीके की चाट खाई होंगी, जैसे बहुत ही फेमस बनारस की चाट, आलू चाट, समोसा चाट, कटोरी चाट। लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही न्यू एंड ट्रेंडिंग रेसिपी। जी हाँ, टमाटर चाट की रेसिपी, जो कि बहुत ही नई और बहुत ही अलग रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस रेसिपी को। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। कटोरी टमाटर चाट बनाने के लिए मैंने लिया है 2 से 3 बड़े चम्मच बेसन के। बेसन का हमें जो बैटर तैयार करना है, देखिए वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए। बैटर में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की होनी चाहिए। बिल्कुल हमें बेसन का गाढ़ा बैटर तैयार करना है। ध्यान रखें, बैटर में बिल्कुल भी गाढ़ नहीं होनी चाहिए और हमें बैटर में ऊपर से पानी ऐड नहीं करना है। बैटर तैयार करने के बाद हमें लेने हैं टमाटर। ध्यान रखें, आप इस रेसिपी के लिए देसी टमाटर का यूज़ ना करें, बड़े टमाटर का यूज़ करें। हमें टमाटर के ऊपर इस बैटर को ऐसे लगाना है। देखिए ये काम हमें कुछ इस तरीके से करना है। बैटर काफ़ी गाढ़ा होना चाहिए, बैटर पतला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ध्यान रखें, टमाटर के ऊपर ये बैटर अप्लाई करने के बाद हमें इसे तुरंत ही फ्राई कर लेना है। अगर आप इसे ऐसे छोड़ देंगे तो इसमें से बैटर उतर भी सकता है। इसी तरीके से आप अपने अनुसार टमाटर की कितनी भी क्वांटिटी के साथ इस टमाटर कटोरी चाट को बना सकते हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। ध्यान रखें, फ्राई करने के लिए हमें गैस को लो टू मीडियम फ्लेम पर रखना है। और ध्यान रखें, रिफाइंड ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का गर्म ही होना चाहिए। फ्राई करते समय हमें इनके ऊपर ऐसे तेल गिराते रहना है जिससे ये अच्छे से फूल जाएंगे। ध्यान रखें, हमें गैस को लो फ्लेम पर ही रखना है। हमें इन्हें डीप फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। ये देखिए, अब ये हल्के गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। अब इस फ्राई स्टफिंग को हमें हल्का ठंडा होने देना है या फिर पूरा ठंडा होने देना है। इसके बाद हमें इसे कटोरी शेप में बीच में से काटना है। जब ये हल्के ठंडे हो जाएंगे, इसके बाद हमें इन्हें बीच में से काट के अलग कर देना है और टमाटर के पोर्शन को बाहर निकाल देना है। देखिए हमें ये काम कुछ इस तरीके से करना है। आप इस टमाटर को सब्जियों में या फिर चाट की स्टफिंग में यूज़ कर सकते हैं, आपको इन्हें वेस्ट नहीं करना है। इसके बाद हम चलेंगे फाइनल प्रोसेस यानी कि चाट की स्टफिंग की ओर। चाट की स्टफिंग बहुत तरीके से बनाई जा सकती है और इसमें बहुत कुछ डाला जा सकता है, पर चाट की स्टफिंग बनाने के लिए मैंने लिया है 3 से 4 उबले हुए आलू। उबले हुए आलू को हमें अच्छे से मैश करना है। उसमें डालें बारीक कटा हुआ प्याज, बहुत सारा धनिया पत्ता, स्वाद अनुसार हरी मिर्च डालकर। मसालों में हम डालेंगे सबसे पहले स्वाद अनुसार नमक, 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, हल्का सा गरम मसाला पाउडर, स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस डालकर हमें इन सबको अच्छे से मिला लेना है। कटोरी में स्टफिंग ऐड करने के बाद मैंने डाला है इसमें ऊपर से बहुत सारा एक्स्ट्रा धनिया पत्ता, दही। आप अपने अनुसार इसमें जैसे कि लाल चटनी, हरी चटनी, मूंगफली के दाने या समोसे भी डालकर खा सकते हैं। आपका टमाटर कटोरी चाट बनकर तैयार है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।